आयोजित जन जागरण रैली के तहत जनसभा का आयोजन किया गया, जहां एक के बाद एक कर भाजपा के दिग्गजों ने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी समेत राज्य के सभी तृणमूल नेता कार्यकर्ताओं की पोल खोल कर रख दी। इतना ही नहीं, तृणमूल के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे मुकुल राय ने भाजपा में शामिल होने के बाद से ही तृणमूल में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुकुल राय ने तृणमूल के भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोयला बालू के अवैध धंधों के जरिए अधिक दिनों तक सत्ता में नहीं रहा जा सकता है। अवैध धंधा कर लालू यादव ने भी काफी धन कमाए, लेकिन वो भी वर्तमान समय में सलाखों के पीछे हैं। आज पश्चिम बंगाल की स्थिति यह है कि यहाँ के सांसद चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। न जाने कब किसके पास सीबीआई का पत्र आ जाए। आधे से अधिक सांसद और विधायक भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि माँ माटी मानुष की सरकार के नाम पर तृणमूल जनता को ठग रही है और मुख्यमंत्री ममता अपने भतीजा को मालामाल बनाने में जुटी हुई है। তাকে দিয়েই বলাতে হবে। সেই অমিত মিত্র সেই দাঁড়িয়ে গায়ে শালমাল চড়িয়ে বললেন যে আমাদের বাংলায় এবার 2,50,253 কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রস্তাব গেল কত, 52,208 কোটি টাকা। বাস্তবায়িত হলো কত, 3,433 কোটি টাকা। 2017 বললো বিদেশ থেকে শিল্প আসছে, বিদেশি শিল্পপতিরা শিল্প আনছে, কত, 2,35,290 কোটি টাকা। প্রস্তাব গেল কত, 3,766 কোটি টাকা। বাস্তবায়িত হলো 2,536 কোটি টাকা। এইটা হচ্ছে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আগ্নিক নির্যাস।